हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मेरा नाम है प्रत्यक्षा द्विवेदी और आज हम सेवेंथ का सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले चैप्टर में न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं या वो कैसे अपने आपको सर्वाइवल के लिए वो मतलब प्रिपेयर करते हैं, उनका फूड कैसे प्रिपेयर होता है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कैसे होता है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, लिखा है कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट किसकी, न्यूट्रिएंट की, उसका मोड ऑफ इनटेक क्या होगा, किस तरह से वो उस न्यूट्रिएंट को खाएंगे और उसके साथ साथ उसे वो अपनी बॉडी में यूटिलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इससे हम समझेंगे कि एनिमल न्यूट्रिशन का बेसिक क्या होता है, हाउ डज इट वर्क। बट जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, उसको हम क्या कहते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। बट जिस प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उस प्रोसेस को, उस ब्रेकडाउन को हम कहते हैं डाइजेशन। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में और उसके बाद ही वो डाइजेशन के प्रोसेस के लिए रेडी होता है। वैसे ही अब हम पढ़ेंगे कि हर ह्यूमन में, मतलब सॉरी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, स्पेशली एनिमल्स में, जो डिफरेंट वेज होते हैं फूड इनटेक के, जैसे प्लांट्स हैं उसमें भी थोड़े डिफरेंट वेज होते हैं, बट मेनली सब किस पे सर्वाइव करते हैं, फोटोसिंथेसिस पे। बट यहाँ पे ज़्यादा ही वेराइटी ऑफ वेज हैं फूड इनटेक के। अब जैसे बीज हैं, वो नेक्टर पे सर्वाइव करती हैं, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन है जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं वो मदर्स मिल्क पे सर्वाइव करते हैं, स्नेक्स हैं वो अपने प्रे पे सर्वाइव करते हैं, ह्यूमंस हैं हम अपने जो भी डेली हमारी बैलेंस डाइट होती है हम उस पे सर्वाइव करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सो विद एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मोड ऑफ फूड आर वे ऑफ फूड इनटेक डिफर्स। अब वैसे ही हम देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमंस में, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का तरीका, वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वो डाइजेशन होता कैसे है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, द अनयूज्ड पार्ट्स of the food are defecated, okay? हमने जो भी खाया, जो हमारे बॉडी को चाहिए था, बाकी सब we pass out through our body in form of stool. So here it is written, the food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. वो स्टार्ट होता है बकल कैविटी से और एंड होता है एनस पे। ये पूरा हमारे फूड का रास्ता है, जो फूड का हमारे रूट है, जहाँ से हम खाते हैं, एंड देन फ्रॉम वेयर वी डेफिकेटेड वहाँ तक का। और इसमें वेरियस कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली खाया एंड देन इट्स आउट ऑफ आवर बॉडी। इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ कंपार्टमेंट्स, इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल दैट दिस is very important, this entire process, please do not change the order when you are learning it, because अगर order change होगा तो पूरा ही आपका गलत हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमारा food कहाँ जाता है, buccal cavity में, उसके बाद food pipe और esophagus है, ये O यहाँ पे silent है, हम इसे pronounce करेंगे esophagus, उसके बाद जाता है stomach में, उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, एंड द सिक्स्थ कंपार्टमेंट वेयर द फूड ट्रैवल्स इज द एनस। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग, इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ऑफ कोर्स इट इज, बहुत सारा टाइम लगता है हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में, इट इज नॉट अ क्विक प्रोसेस दैट हैपेंस इन अ फ्यू सेकेंड्स। वी विल सी
कि हमने अभी जो भी ये पार्ट्स पढ़े 1 to 6, इसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि इट इज अ पैसेज, इट इज अ रूट जिसके थ्रू हमारा फूड जाता है। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल इसका टेक्निकल टर्म है। द फूड कॉम्पोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपना फॉर्म चेंज करता है, इसका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अब ऐसे ही हमारा जो ये पूरा हमारा पूरा डाइजेशन ट्रैक्ट है, इसमें वेरियस ग्लैंड्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया। पैनक्रियाज क्या करता है? इट सेक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस। द डाइजेस्टिव जूसेस व्हाट डू दे डू? ऑब्वियसली अगर पैनक्रियाज कोई जूस सेक्रीट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन तो होगा ही। तो पैनक्रियाज जो जूस डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट करता है उसका क्या फंक्शन होता है? द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंटिन्यू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी जो हमने 6 वहाँ पे कंपार्टमेंट्स पढ़े थे उनका हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। हाउ द फूड एंटर्स इनटू द बकल कैविटी, ठीक है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे सलाइवा प्रोड्यूस करता है, नाम से ही पता चल रहा है सलाइवरी ग्लैंड के, जो कि जब हम हमारे टीथ से फूड को च्यू और क्रश करते हैं उसके साथ सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है वो मिक्स हो जाता है, सो दैट फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पेस्ट लाइक फॉर्म, सो दैट इट इज ईजी फॉर इट टू एंटर इनटू आर ईसोफेगस और द फूड पाइप। एंड देन एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट कहते हैं, जिसके थ्रू वो फूड कहाँ पहुँचता है? स्टमक में पहुँचता है। स्टमक से क्या होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है एंड देन इट रीचेज द लार्ज इंटेस्टाइन, देन द रेक्टम एंड देन द एनस, देन द फूड पासिस आउट। ये तो अभी हमने ब्रीफ में पढ़ लिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, बट नाउ इन दिस चैप्टर फर्दर वील डिग इन टू द टेक्निकलिटीज और हाउ इट एक्चुअली हैपन्स इन द डिटेल्ड फॉर्म ऑफ इट। तो हमारा सबसे पहला जो कंपार्टमेंट था फूड का, जहाँ से वो स्टार्ट होगा डाइजेस्ट होना, वो क्या था? द माउथ और द बकल कैविटी, जब हम उसे खाते हैं, ठीक है। सो फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ, देयर इज नो अदर वे दैट फूड एंटर्स अ बॉडी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू आर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। प्लीज डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद इंजेशन एंड डाइजेशन। डाइजेशन एक कम्प्लीटली अलग प्रोसेस है, बट वेन वी टॉक अबाउट इंजेशन इट इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ फूड, इट इज जस्ट द प्रोसेस वेन वी टेक फूड इन टू आर माउथ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम टीथ का क्या काम होता है, हम उससे च्यू करते हैं, ब्रेक करते हैं उसको, खाने को मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे सारे जितने भी दांत हैं सब एक तरह के नहीं हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, क्योंकि उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या हैं, रोल्स हैं। व्हेन वी च्यू और वी व्हेन वी ब्रेक आवर फूड इनटू डिफरेंट एंड स्मॉल बिट्स, तो इसमें हर टीथ का एक डिफरेंट रोल है। अब जैसे हमारे टीथ जो हैं वो कितनों में डिवाइडेड होते हैं? 4 में, मोलार, प्रीमोलार, केनाइन एंड इंसीजर्स। तो इसमें मोलार और प्रीमोलार का मेनली क्या काम होता है? टू क्रश द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। इंसीजर्स और केनाइंस क्या होते हैं? टू बाइट एंड टू टियर द फूड, ठीक है। तो बकल कैविटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, because of ingestion and also because we mechanically break our food into small pieces. Our mouth has the salivary gland. मैंने आपको ऊपर भी बताया था salivary glands के बारे में, जो कि क्या secrete करता है? Saliva, नाम से ही पता चल रहा है, और इसकी वजह से food soften हो जाता है, it starts digestion, the process of digestion starts right from the salivary glands. And you would have often heard people saying that
द मोर यू च्यू द फूड इट गेट्स ईजी फॉर इट टू डाइजेस्टेड वेन इट गेट्स डाउन फ्रॉम आर ईसोफेगस. सो वी शुड च्यू आर फूड मोर एंड नॉट जस्ट कीप हॉगिंग इट. विल मूव ऑन टू दिस एक्टिविटी गिवन, जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि स्टार्च का क्या इफेक्ट होता है, सलाइवा का क्या इफेक्ट होता है स्टार्च में. ठीक है, स्टार्च इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, तो वैसे तो हम उसे खा नहीं पाएंगे, तो उसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. अब यहाँ पे देखिए, दो टेस्ट ट्यूब दिए हैं, एक में बॉइल्ड राइस मतलब बॉइल किया और डाल दिया, एक में च्यू करके डाला. तो जब च्यू करके राइस डाला तो उसमें सलाइवा मिक्स हो गया इन द टेस्ट ट्यूब बी, और फिर क्या ऐड होता है, आयोडीन सॉल्यूशन ऐड होता है दोनों में और वाटर. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो हमने च्यू करके डाला था उस पे, उस वाले टेस्ट ट्यूब पे क्या असर पड़ा. द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स. ठीक है, जो हमने च्यू करके डाला था उसमें क्या होता है, जो सलाइवा जो स्टार्च होता है वो सलाइवा की वजह से शुगर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. ऐसे अब हम पढ़ेंगे कि टंग क्या होता है. टंग इज अ फ्लेशी मस्क्यूलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ आवर बकल कैविटी. टंग हम सबको पता है वो एक फ्लेशी मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि हमारे अटैच्ड होती है टू द बैक, एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ आवर बकल कैविटी. और टंग के क्या फंक्शंस होते हैं अगर कोई हमसे पूछे, तो टंग के फंक्शन क्या होते हैं, हम टॉकिंग में तो यूज करते ही अपनी टंग, बट बिसाइड्स दैट सलाइवा को मिक्स करता है फूड के साथ, हमें च्यू करने में हेल्प करता है, स्वालो करने में हेल्प करता है फूड को. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग्स. हमारे टंग पे वेरियस क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो भी हम खाना खाते हैं उसका हमें टेस्ट आ पाता है. इट हैज टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड. उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा टूथ डीके के बारे में पढ़ लेंगे कि टूथ डीके होता क्या. अब जनरली क्या होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो कभी कभी हमारे दांतों में स्टक रह जाता है, और अगर हम अच्छे से ब्रश ना करें, अपने प्रॉपर ओरल या डेंटल हाइजीन को मेंटेन ना करें, तो क्या होता है, एसिड प्रोडक्शन हो जाता है. एसिड प्रोडक्शन की वजह से टूथ डीके होना चालू हो जाता है, और सबसे ज़्यादा डीके किन वजह से होता है, स्वीट फूड खाने से. कुछ भी अगर हम मीठा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमें अपनी डेंटल हाइजीन भी उसी हिसाब से मेंटेन करनी चाहिए. So earlier we were studying about, before tooth decay, we were studying about these taste buds. ये क्या है हमारे टंग पे, ये है टेस्ट बड्स, ये regions of tongue for different tastes. अब जैसे कुछ सार टेस्ट करेंगे, कुछ बिटर टेस्ट करेंगे, कुछ स्वीट टेस्ट करेंगे, कुछ सॉल्टी टेस्ट करेंगे, तो different taste buds, different taste टाइप ऑफ टेस्ट को वो करती हैं, उनकी प्रेजेंस हमें हमारे टंग को बताते हैं. नाउ वील मूव ऑन टू द सेकेंड कंपार्टमेंट वेयर द फूड गोज, दैट इज द फूड पाइप और द ईसोफेगस. द स्वालोड फूड पासेज इन टू द फूड पाइप और द ईसोफेगस. हमने अच्छे से खाने को चबाया, हमने उसे निगल लिया, अब वो कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा. The food pipe runs long along the neck. ये मैंने आपको बताया था कि एक movement के through खाना नीचे जाता है, इस movement को हम peristalsis movement कहते हैं. तो food pipe है, it runs along the neck and the chest. Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. वही जो ऊपर अभी हमने डायग्राम देखा था, ऐसे ऐसे करके हमारा फूड जो है वो नीचे नीचे जाते जाते, एंड देन इट गोज टू द स्टमक. दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स. एट टाइम्स
हमने कभी कभी देखा होगा कि हमें वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग क्यों होती है? जब हमारा स्टमक किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है, इट गोज रिवर्स एंड देन वी वॉमिट द फूड आउट। अब हमारा फूड बकल कैविटी से ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुँच गया है? द थर्ड कंपार्टमेंट, दैट इज द स्टमक। नाउ वी स्टडी अबाउट द स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यू कैन गेट क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। So we must know that the stomach, how does the stomach looks? It looks like a flattened, it's a thick walled bag that has the shape of a flattened J. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. तो हमारा जो भी stomach है उसे एक तरफ से food pipe से तो खाना मिला और उसके बाद वो कहाँ open होता है? Food pipe से होते हुए it opens to the स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखेंगे हम कि जो इनर लाइनिंग है हमारे स्टमक की वो सिक्रीट करती है म्यूकस, HCl जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और डाइजेस्टिव जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices breaks down the proteins into simpler substances. ठीक है, हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ ली। वो तीन चीजें क्या है हमारी? जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है वो सिक्रीट करती है क्या? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब कोई हमसे पूछ लेगा कि म्यूकस का क्या फंक्शन है भाई, लिवर क्यों सेक्रीट कर रहा है म्यूकस को? तो वो इसलिए सेक्रीट कर रहा है ताकि वो जो लाइनिंग्स है स्टमक की उसे प्रोटेक्ट कर पाए। ऐसे ही जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट हो रहा है, इट इज बीइंग सेक्रीटेड कि कोई भी अगर बैक्टीरिया उस फूड के साथ आया हो तो वो उसे किल कर दे, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, कोई फूड पॉइजनिंग ना हो। और वैसे ही जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्ट करने में जो एसिड है वो हेल्प करे। डाइजेस्टिव जूस क्यों सिक्रीट होता है? ऑफ कोर्स एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन अ बॉडी, इट इज हैपनिंग फॉर सम पर्पस, इट हैज सम पर्पस, सम स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है इंटू व्हाट? सिंपलर सब्सटेंसेस। क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। तो अब थर्ड कंपार्टमेंट से होते हुए द फूड हैज कम टू द फोर्थ कंपार्टमेंट, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एक हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। हाईली कॉइल्ड है मतलब कि एक में एक ऐसे सर्कल्स में है, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है, एंड इट इज Yet it is 7.5 meters long. It, I know its name is small intestine, but it is really long. 7.5 meters does matter. It receives secretion from the liver and the pancreas. हमने पढ़ा था कि pancreas का काम ही होता है digestive juices को secrete करना. It secretes digestive juices. Besides, its wall also secretes juices. किसके? Small intestine की walls. हमारे liver की walls क्या secrete करती? Stomach की walls क्या secrete करती थी? If you remember, mucus, hydrochloric acid and digestive juices. वैसे ही small intestine की walls भी juices secrete करती हैं. Liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. ये हमारे liver की location हो गई. It is the largest gland in our body. Which is the largest gland in our body? It has to be liver. It secretes what? It secretes bile juice that is stored in a sac called gall bladder. The bile plays an important role in digestion of fats. ठीक है, लिवर हमारा बाइल जूस सेक्रीट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बाइल इन डाइजेशन ऑफ व्हाट? इन डाइजेशन ऑफ
Facts. The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. It is located just below the stomach. The pancreatic juice acts on what? Carbohydrates, fats, protein और complex substances को इन complex substances को किन में convert कर देता है? Simpler forms में. The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. अभी भी पूरी तरह से हमारा food digest नहीं हुआ है, तो अब वो intestine, small intestine के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचेगा, जहां पे जो intestinal juice है, वो complete कर देगा digestion उस food का. जो कार्बोहाइड्रेट है इट गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर एज ग्लूकोज फैट्स गेट ब्रोकन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड अब हम देखेंगे ये अब्सॉर्प्शन कैसे होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन दिस इज कॉल्ड अब्सॉर्प्शन अब्सॉर्प्शन क्या होता है जो डाइजेस्टेड फूड अब पास हो सकता है ब्लड वेसल्स में इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स जिसे हम क्या कहते हैं विली ठीक है थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स को हम कहते हैं विली एंड द विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड ठीक है The surface of the villi absorbs the digested food material. अगर कोई हमसे पूछे कि विली का फंक्शन क्या होगा और विली क्या होता है फिंगर लाइक आउटग्रोथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द अब्सॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हमारे बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो अब अब्सॉर्ब हो चुके हैं अब वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चले जाएंगे जहाँ जहाँ उनकी जैसी जैसी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं ठीक है and different organs where they are used to build complex substances where they are used to build complex substances such as the protein required by the body this is called assimilation is pure process ko hum kya kahenge ise hum kahenge Assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen and carbon dioxide and water and energy क्या होती है release होती है अब the food that remains अभी भी कुछ ऐसा food है जो अभी भी digest नहीं हुआ है and unabsorbed वो absorb भी नहीं हो पाया है तो वो कहाँ जाएगा हमारे last compartment में जो कि हमारा large intestine इसका नाम भले large है but ये small intestine से छोटा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर्स था ये सिर्फ 1.5 मीटर है लेंथ में इसका फंक्शन है वाटर एंड सम सॉल्ट्स को अब्सॉर्ब करना किससे अनडाइजेस्टेड फूड से क्योंकि जो भी फूड लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है वो अनडाइजेस्टेड होता है या अनअब्सॉर्ब्ड होता है इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इंटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसीज ठीक है द फेसियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज कॉल्ड एजेशन इंजेशन हमने पढ़ा था फूड को माउथ में डालने का जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एजेशन क्या होता है द लास्ट प्रोसेस वेयर द फूड पासेस आउट एंड इट हैपेंस इन लार्ज इंटेस्टाइन इंजेशन हैपेंस इन द माउथ एंड एजेशन हैपेंस इन लार्ज इंटेस्टाइन उसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन इज ग्रास डाइजेशन होता है किसमें अभी तक तो हमने ह्यूमंस का पढ़ा अब हम देखेंगे कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ऐसा कैसे होता है ग्रास ईटिंग में क्या क्या आ जाएंगे हमारी बफेलोज काउज और शीप्स आ जाएंगी ये सब ग्रास ईटिंग होती हैं तो ये कैसे स्वालो करती हैं डाइजेस्ट करती हैं दे क्विकली स्वालो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक जिसे हम क्या कहेंगे ह्यूमन ठीक है ये क्विकली स्वॉलो कर लेती हैं ग्रास को और उसे स्टोर कर लेती हैं इन अ पार्ट ऑफ स्टमक दैट इज कॉल्ड रूमन हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट यहाँ पे फूड पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है आधे तरीके से डाइजेस्ट होता है इसे हम कहेंगे कट
बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज, वो वापस आ जाता है. अनलाइक ह्यूमंस कि कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट जाता रहता है, नो, व्हाट इज नॉट डाइजेस्टेड कंप्लीटली विल कम बैक एंड देन दे'ल च्यू इट अगेन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. जिससे फूड क्या होता है वापस आ जाता है वो रूमिनेशन, और वो एनिमल्स क्या होते हैं रूमिनेंट्स. ग्रास किसमें रिच होती है, सेल्यूलोज में, विच इज अ टाइप ऑफ वॉट, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इन रूमिनेंट्स लाइक केटल, डियर एटसेट्रा, जिनमें फूड जो कट होता है वो वापस आ जाता है टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड देन दे'ल च्यू इट अगेन. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, जो कि जो भी वो ग्रास खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है. एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स, इनके पास लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कैसम कहते हैं, बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, ठीक है. अब हम देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा में कैसे होता है डाइजेशन. अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ये हम सबको पता है. अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक. इसके क्या होता है, इसका एक सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, और क्या होते हैं इसका वो वैक्यूल्स कहाँ होते हैं, इन द साइटोप्लाज्म. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड इट्स पोजिशन, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया, ठीक है. ये जो डिफरेंट डिफरेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं इन्हें हम कहेंगे क्या, इन्हें हम कहेंगे सूडोपोडिया. जस्ट लाइक ईसोफेगस, जहाँ पे ओ साइलेंट था यहाँ पे पी साइलेंट है, सो वील कॉल इट वॉट, वील कॉल इट सूडोपोडिया. और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, इट मूव्स विद दोज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया. अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यह हमारा अमीबा का खाना है. जब वो फूड सेंस करता है वो सूडोपोडिया को बाहर ऐसे स्ट्रेच कर देता है एंड देन इंगल्फ कर लेता है, निगल जाता है, ठीक है. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, ठीक है. अमीबा का फूड कहाँ ट्रैप होता है, फूड वैक्यूल में, इम्पॉर्टेंट टर्म. डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल में, एंड देन वही सेम कहानी जो हमने एनिमल्स में, ह्यूमंस में, अब अमीबा में पढ़ रहे हैं. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करने लगते हैं, फूड जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है. द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अमीबा. द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, फूड वैक्यूल से खाना अंदर जाता है और जो भी अनडाइजेस्टेड हो जाता है, जैसे हमारे में एजेशन होता है थ्रू एनस, वैसे ही यहाँ पे वो खाने को बाहर निकाल देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं अमीबास थ्रू वैक्यूल. द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, जो बेसिक होता है हर एनिमल्स में वो सेम होता है, ठीक है. सो आई गेस विद दिस वी हैव केम टू द एंड ऑफ द चैप्टर, सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.